आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो एवरीवन इन दिस क्वेश्चन कंसीडर लाइन L1 वन एंड एल टू आर डिफाइंड तो हमें दो लाइन की क्वेश्चन गिवन है फर्स्ट लाइन की क्वेश्चन क्या है X अंडर रूट 2 प्लस वाई माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो और दूसरी लाइन की क्वेश्चन है x अंडर रूट टू माइनस वाई प्लस अब क्या गिवन है फॉर अ

लाइन वाई जुकल, वाई टू एक्स प्लस वन मीट सी एट टू पॉइंट आर एन एस तो जो लाइन है वाई जुकल टू एक्स प्लस वन ये जो लोकस है इसको दो पॉइंट पे मीट करती है आर और एस वेयर द डिस्टेंस बिटवीन द आर एन एस इज 270 अंडर रूट 270 तो आर और एस के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है अंडर टू हंड्रेड ओके तो अब क्या बोला है लेट द परपेंडिकुलर बाई सेक्टर मीट द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट आर डैश एंड एस डैश एंड लेट डी बी द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस लेट डी लेट डी बी द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द आर्स एंड एजेस देन वीव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी इज ओके तो देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं हमें बस दो लाइन की क्वेश्चन ग्यवन है फर्स्ट लाइन का इक्वेशन क्या है एक्स अंडर टू प्लस वाई माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो और सेकेंड लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या ग्यवान है दैट इज एक्स अंडर टू माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो अब क्या बोला है एक पॉइंट पी एक पॉइंट पी

वो क्या होगा वो होगा दैट इज एक्स अंडर रूट टू प्लस वाई माइनस वन अपॉन ए स्क्र प्लस बी स्क्र तो ए स्क्र प्लस बी स्क् करूंगा तो ए के लिए कितनी अंडर रूट टू तो उसका तो वाली हो जाएगी टू प्लस वन ओके तो यहल टू से डिस्टेंस फाइंड आउट करूंगा तो वो कितना हो जाएगा दैट इज एक्स अंडर रूट टू माइनस वाई प्लस वन अपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी अगेन वैल्यू क्या हो जाएगी दैट इज टू प्लस वन का अंडर रूट आता है वैल्यू ठीक है यहाँ पे होता है अंडर रोट एक्र प्लस बी इसलिए अंडर रूट ठीक है और इज इजक्ल टू क्या हो जाएगा वैल्यू मेरा इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल दिया रखा है लैम्डा स्क्वायर के इक्वल दे रखा है तो अब यहाँ से हम लोग सिम्प्लीफाई करते हैं तो देखो जब हम न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे जब हम न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई तो करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी मॉड में ठीक है तो मॉड में वैल्यू आएगी दैट इज टू एक्स स्क्वायर यह हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर वैल्यू क्या हो जाएगी रूट थ्री इंड रूट थ्री कितना हो जाएगा थ्री टू क्या हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी दैट इज एक्स स्क्स वाई माइनस वन का होल टू कितना हो जाएगा दैट इज लैम्डा स्क्वायर अब मुझे क्या बोला है कि ये जो लाइन है ये तो मेरा लोकस आ गया उस पॉइंट का अब बोला है एक जो लाइन है ये इस लोकस को कट करती है दो पॉइंट पे एट पॉइंट आर एंड एस तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा तभी तो मुझे आर एंड एस पॉइंट मिलेंगे तो देखो यहां से मैं वाई की वैल्यू निकाल के इस पॉइंट में रख देता हूं तो ये कितना हो जाएगा दैट इज एक्स स्क् माइनस वाई की वैल्यू रख दूंगा टू एक्स प्ले वन तो जाएगा दैट इज फोर एक्स स्क् क्योंकि वन से वन कैंसिल आउट हो जाएगा इजिकल टू कितना थ्री लेमडा स्क्वायर तो यहाँ से वैल्यू मॉड में क्या आएगी मॉड में वैल्यू नेगेटिव नहीं रहती पॉजिटिव रहती है तो ये हो जाएगा दैट इज टू एक्स स्क्वायर किस में आएगा मॉडल में इजीकल्स टू कितना दैट इज थ्री स्क्वायर ओके अब यहां वैल्यू लिखूं तो कितनी आ जाएगी दैट इज प्लस माइनस अंडर रूट थ्री बाई टू और लेमडा स्क्वायर है तो अंडर रूट लेंगे तो लेमडा बाहर आ जाएगा तो ये आ गया मेरा एक्स कॉर्डिनेट किसका पॉइंट आर और एस का मेरा क्या आ गया एक्स कॉर्डिनेट आ गया अब वाई कॉर्डिनेट निकालना है तो वाई कॉर्डिनेट कितना हो जाएगा टू मल्टीप्लाई इसमें क्या हो जाएगा एक्स और वाई की वाली ये रख दूंगा मैं तो इसको मैं टू इसको मैं टू एक्स इसको मैं टू एक्स प्लस वन ही रहने देता हूँ अभी ठीक है एक बार मैं इसमें प्लस रूट थ्री बाई टू लेमना डालूंगा एक बार माइनस रूट थ्री बाई टू लेमना डालूंगा अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि आर और एस के जो पॉइंट का जो डिस्टेंस है जो आर और एस के पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना अंडर रूट टू हंड्रेड एंड सेवेंटी तो देखो ऐसा कुछ लोकस होगा ये मान लो ऐसा कुछ लोकस है हमें नहीं पता लेकिन हमें बोला गया है कि ये जो लाइन है ये जो लाइन है दैट इज वाई इज इक्वल्स टू टू एक्स प्लस वन ये इसको दो पॉइंट पे कट कर रही है जिसका हमने एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकाल लिया अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है तो डिस्टेंस स्क्वायर इज इक्वल्स टू तो होता है दैट इज एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर ठीक है एक बार मैं एक बार इसकी दो अलग अलग कॉर्डिनेट मैंने मान लिए अब देखो यहाँ से वैल्यू क्या डिस्टेंस स्क्वायर अब डिस्टेंस मुझे कितना दे रखा है अंडर रूट टू सेवेंटी का होल स्क्वायर इजिक्वल्स टू क्या हो जाएगा तो मतलब अला यहाँ से देखो एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर तो देखो एक्स टू एक्स टू एक्सन क्या है एक प्लस एक माइनस तो जब उनको सप्ट्रैक्ट करूंगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी डबल ठीक है तो हो जाएगा यह रूट थ्री बाय टू लैमडा का होल स्क्वायर सिमिलरली यहाँ पे देखो यहाँ पे अगर मैं वाई टू माइनस वाई वन करूँ वाई टू माइनस वाई वन करूँ तो वैल्यू क्या हो जाएगी दैट इज टू टाइम्स ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन बचेगी तो इसका मुझे होल स्क्वायर करना है देखो इन दोनों को सब्रैक्ट करो तो वन सेवन कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी अंडर टू सेवेंट का स्क्वार करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी दैट इज टू सेवेंटी इजिकल टू इसको करेंगे तो हो जाएगा फोर मल्टीप्लाई यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी अच्छा ठीक है ये हो जाएगा फोर मल्टीप्लाई स्क्वायर 2 2 कितना हो जाएगा? 4, और x का करेंगे तो एक्स टू माइनस स्क्वायर यहां तक बात समझ में आ गई तो अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा ये टू टाइम्स और ये टू क्या कर देगा ठीक है अब यहाँ पे क्या है अगेन अच्छा यहाँ पे अगेन क्या होगा यहाँ पे एक्स टू माइनस एक्स वन करेंगे तो ये वैल्यू क्या टू टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू आएगी तो इसका होलिस्टर करने पे एक्चुअली यहाँ फोर यहाँ पे सिक्सटीन बचेगा ठीक है देखो मैं एक बार और क्लियर करता हैं यहाँ पे वैल्यू सिक्सटीन क्यों आएगी ये टू तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई में था देखो यहाँ पे टू मल्टीप्लाई में नहीं था तो जब हमने इसका होल होलिस्कर करा तो वैल्यू क्या आई जब हमने एक्स टू माइनस सेक्शन की वैल्यू लिखी तो ये टू मल्टीप्लाई दिस तो यहाँ पे टू ऑलरेडी है तो टू इंटू टू फोर हो जाएगा इसलिए सिक्सटीन आया यहाँ पे वैल्यू ठीक है अब ये टू कैंसिल आउट कर देगा सिक्सटी को इन एट टाइम्स तो ये वैल्यू हो जाएगी दैट इज टू सेवेंटी इज इक्ल्स टू यहाँ से वैल्यू आई दैट इज सिक्स लमटा स्क्वायर प्लस यहाँ से वैल्यू आई दैट इज ट्वेंटी फोर लेमडा स्क्वायर तो यहाँ से आपकी जो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी तो लेमडा की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे लेमडा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी नाइन आ जाएगी ठीक है एक्चुअली हम हमें तो क्या फाइंड आउट करना है हमें डी के लिए फाइंड आउट करनी है तो अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है ये जो लाइन है अब हमने ये लाइन निकाल लिया अभी बोला इस लाइन का जो पर इस लाइन का देखो क्या बोला ध्यान से देखो क्वेश्चन में बोला जो इसका परपेंडिकुलर बायसेक्टर है ठीक है तो जो इसका परपेंडिकुलर है तो इस लाइन का परपेंडिकुलर बायसेक्टर कैसे निकालेंगे तो देखो इस लाइन का परपेंड अगर मुझे ये पॉइंट पता है ये पॉइंट पता है तो इसका कुछ एक मिड पॉइंट आएगा और इस मिड पॉइंट से जो मैं परपेंडिकुलर लाइन खींच दूंगा इस मिड पॉइंट से जो मैं परपेंडिकुलर लाइन खींच दूंगा यही यही होगा इसका मिड पॉइंट बाई सेक्टर तो ये भी इस लोकस को दो पॉइंट पे कट कर, कर, कर रहा है एक बार कट कर, कर रहा है आर डेस्ट पॉइंट पे और एक बार कट कर, कर रहा है एस डेस् पॉइंट पे ठीक है तो ये जो लाइन है इसका स्लोप तो मुझे ऑलरेडी पता है एम इक्वल्स टू टू और ये क्योंकि परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ दैट इज माइनस वन बाई टू आराम से निकाल सकता हूँ क्योंकि एम वन इंटू एम टू क्या होता है माइनस वन तो इसका स्लो क्या आ गया माइनस वन बाय टू अब मुझे ये करना है. तो देखो कैसे करेंगे? हमने एक्स कोऑर्डिनेट तो निकाल रखा है एक एक है, एक प्लस है माइनस है तो जब मिड पॉइंट पर अगर आप ध्यान से देखो तो क्या होता है मिड पॉइंट एक्स वन प्लस वैल्यू क्या है पॉजिटिव और एक वैल्यू क्या है नेगेटिव जब उनको कंबाइन करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी जीरो जीरो डिवाइड बाई टू कितना जीरो जाएगा? जाएगा मतलब जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट आ गया मिड पॉइंट का वो तो क्या हो गया जीरो सिमिलरली वाई वन प्लस वाई टू भी करेंगे वाई वन प्लस वाई टू करेंगे तो यहाँ वैल्यू क्या x1 x2 आएगी दैट इज एक्स वन प्लस एक्स टू आएगी तो वो भी क्या दे देगा जीरो और एक वन प्लस वन कितना आएगा टू और टू डिवाइडेड बाय टू करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी वन इसका मतलब जो मिड पॉइंट इस मिड पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ कुछ के नाम दे देता हूँ तो ये जो मिड पॉइंट है के ये कितना आ रहा है मेरा दैट इज ये आ रहा है पॉइंट जीरो कमा वन जो मिड पॉइंट है मेरा वो कितना आ रहा है जीरो कमा वन और इस लाइन का इस लाइन का जो स्लोप आ रहा है मेरा इस लाइन का जो स्लोप आ रहा है वो कितना आ रहा है दैट इज माइनस वन बाय टू तो इसका मतलब मैं इस परपेंडिकुलर बाय की अब इक्वेशन लिख सकता हूँ तो इस परपेंडिकुलर बाय की इक्वेशन कैसे लिखेंगे वाई माइनस वाई वन Y1 के कितनी है स्लोप माइनस वन बाई टू टाइम्स ऑफ एक्स माइनस एक्स वन तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स माइनस जीरो तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी टू सॉरी यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी टू वाई आएगी क्योंकि टू मल्टीप्लाई हो रहा है ना इस साइड तो ये हो जाएगा दट इज टू वाई और माइनस का साइड आएगा तो प्लस का एक्स हो जाएगा तो एक्स प्लस टू वाई माइनस टू इजिकल्स टू जीरो तो ये आगे मेरी इस लाइन की इक्वेशन है अब ये जो लाइन है ये भी लोकस को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो इस इस लाइन के इक्वेशन को मुझे इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा मुझे इस लाइन से इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा किस किस लाइन से जो मैंने अभी इसका जस्ट लोकस निकाला है इस पॉइंट से ये है मेरा लोकस ऑफ पॉइंट सी ठीक है ये है सॉरी ये मेरा लोकस ऑफ पॉइंट सी अब इससे मुझे क्या करना है इसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है तो मैं इस लोकस ऑफ सी को मैं एक बार नीचे लिख लेता हूँ तो लोकस ऑफ सी क्या है मेरा दैट इज टू एक्स यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वैल्यू क्या है दैट इज यह है टू एक्स स्क्वायर

2X square minus. अब बोर्थ साइड अगर मैं टू से क्या कर दू डिवाइड कर क्वेश्चन में और वाई माइनस वन को मैं इधर ही रखू और प्लस का, का उस साइड सॉरी जाएगा एक्स बायू प्लस का उस साइड जाएगा तो माइनस का एक्स बायू हो जाएगा तो माइनस एक्स बायू का होल करेंगे तो X by, 4 हो जाएगी ठीक है दैट इज इक्वल्स टू थ्री मल्टीप्लाई स्क्वेयर की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली कितनी आ रही है नाइन के इक्वल आ रही है तो अब देखो इसके बाद क्या हो जाएगा अब यहाँ पे हम लोग एल्शियम लेंगे तो एल्शियम लेने के बाद हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी टू मल्टीप्लाई फोर कितना हो जाएगा? 8, 8 minus 1 कितना हो जाएगा 7 तो जाएगा तो का इज टू कितना आ गया वैल्यू आ गया तो अब यहां से मैं X की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं इजिली तो यहाँ सेक्स की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो वो आएगी मेरी दैट इज प्लस माइनस ये फोर है उसट जाएगा इसका रूट लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी टू अंडर लेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी दैट इज थ्री रूट

माइनस टू यहाँ पे एक्स प्लस टू वाई माइनस टूक्स टू जीरो देखो यहाँ सेवन और जो एक्स टू पॉइंट वो आ जाएगा दैट इज माइनस का सिक्स अंडर रूट थ्री बाय सेवन ठीक है थ्री बाई सेवन और यहाँ से मैं वाई वन और वाई टू पॉइंट भी निकाल सकता हूँ तो अब मैं डायरेक्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालता हूँ तो जो डिस्टेंस है डिस्टेंस का स्क्वायर का फॉर्मला क्या होता है जो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो होता है, है? समझ में आ गया अब यहां से वैल्यू मुझे डी के कुल दी D के और यही मुझे फाइंड आउट करना है आरडेस और एस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस का स्क्वायर है वो मुझे डी दिया हुआ है अब एक्स टू माइनस एक्स वन करेंगे तो देखो अगेन एक एक्स के लिए पॉजिटिव नेगेटिव है तो इसको जब हम क्या करेंगे क्या करेंगे तो वैल्यू टू टाइम्स हो जाएगी तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई वैल्यू क्या है वाई टू माइनस वाई वन करूंगा इस इक्वेशन में देखो अब हम वाई टू माइनस मैं लिख लेता हूं x1 2 equal, और वाई वन माइनस टू इज इक्स टू जीरो और एक्स टू प्लस टू टाइम्स ऑफ वाई टू माइनस टू इजल्स टू जीरो इन दोनों में जब मैं सबट्रैक्ट करूंगा तो यहां से वैल्यू क्या जाएगी वाई वन माइनस वाई टू की वैल्यू आ जाएगी दैट इज एक्स वन एक्स वन माइनस एक्स टू डिवाइडेड बाय टू ठीक है तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी और इसका नेगेटिव साइन ठीक है इसका क्या हो जाएगा दैट इज नेगेटिव साइन क्योंकि प्लस का साइन उसे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा तो यहाँ से मैं वाई टू माइनस वाई वन की वैल्यू लिखूँ या एक्स टू माइनस एक्स वन की अल्टीमेटली वो क्या रहेगी सेम ही रहेगी क्योंकि होल स्क्वायर है तो यहाँ से भी वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से वैल्यू हो जाएगा इसका हाफ इस टर्म का हाफ करेंगे तो इस टर्म का हाफ कितना हो जाएगा दैट इज सिक्स अंडर रूट थ्री बाई सेवन का होल स्क्वायर ठीक है तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से वैल्यूर करेंगे तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ थ्री बाय सेवन को मैं क्या कर लेता हूँ कॉमन ले लेता हूँ तो जब मैं थ्री बाय सेवन को कॉमन लूंगा तो अंदर वैल्यू क्या बचेगी दैट इज वन फोर्टी फोर प्लस थर्टी सिक्स तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 180. अब वन को जब मैं डिवाइड करूंगा सेवन से तो वैल्यू कितनी आ जाएगी तो वैल्यून तो और मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन थैंक यू क्लास सिक्स से लेकर नीट आई आई टी जेई मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का आज डाउनलोड कर व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर